हेलो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को समझा था। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या वो भी मैग्नेट की ही तरह मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है? आइए देखते हैं। देखिए, ये हमने एक रॉड ली है एक्स वाई, इसके बीच में से हमने एक कार्डबोर्ड को पास कराया है। ये जो कार्डबोर्ड है, इस पे हमने आयरन फाइलिंग्स भी डाली है। जब हम इस रॉड एक्स वाई में से करंट पास कराएंगे, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विजिबल होंगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो भी मैग्नेट की ही तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। सर, क्या हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। हमारे पास एक रूल है, वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स रोल होंगी, उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो प्रोड्यूस होंगी। देखिए, अगर हमारा करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम अपने थंब को कुछ इस तरीके से रखेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो ऐसे फॉर्म होगी, क्योंकि हमारे जो फिंगर्स हैं, वो ऐसे रोल हो रही हैं। अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होंगी। तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी जितना ज्यादा करंट पास होगा, और हम कंडक्टर के जितनी पास जाएंगे, उसका इन्फ्लुएंस, जो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, वो उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज। सर, मैग्नेटिक फील्ड का कोई और एग्जांपल दीजिए ना। जरूर, ये देखिए, ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसके पास हमने कुछ आयरन फाइलिंग्स डाली है। जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, तो कुछ इस पैटर्न में हमारा पैटर्न फॉर्म होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारा सेंटर है, ओ पॉइंट, उस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि एक रीजन में जहां पे सबसे ज्यादा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का मतलब है कि कोई भी एक ट्यूब जिसके ऊपर हमने कॉपर वायर्स रोल की हैं, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी हैं। मतलब कि जब हम एक सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं, तब वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अमेजिंग सर, क्या हम इसे टेम्परेरी मैग्नेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है, वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर और करंट पर डिपेंड करती है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हम अपनी डेली लाइफ में कहां कहां इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं, सोचिए और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।